नमस्कार हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप मैं हूं गौतम ठाकुर और आज हम पहुंच चुके हैं चूड़ी में जो कि भरमौर का एक गांव है एक पंचायत पड़ती है और यहां पर मैं आपको एक खास चीज दिखाने वाला हूं खास चीज है कि शहद आपने हूँ श्योर कहीं ना कहीं बनते हुए देखा होगा जहां पर एक पेटी सी रखी जाती है एक स्क्वायर शेप की सफेद काली अलग, अलग अलग रंगों की और उस पेटी में बहुत सारी मधुमक्खियां होती है और ये पेटियां जो है वो खासकर ऐसी जगहों पर लगाई जाती है जहां आसपास जो है कुछ किलोमीटर के एरिया में फूल पत्ते जो है वो हो यानी कि फूल के बागान हो ताकि मधुमक्खियां वहां जाए वहां से रस लेकर आए और शहद बनाए अब एक नई चीज आपको दिखाने वाला हूं थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं हैं भाई साहब एक एक दीवार दीवार देख रहे हैं आप इस में पूरा पूरा का पूरा एक मकान है मतलब एक छोटा सा डब्बा नहीं है ये पूरा एक मकान है जिसमें लकड़ी के कुछ गोल गोल से लगे हुए दिख रहे हैं जिसमें छेद किया गया है और इसके अंदर मधुमक्खी जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है कहानी नहीं समझ में आ रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये पूरा एक घर है तो यहाँ पर हमारे साथ एक गाँव के हैं इनसे डर भी लग रहा है थोड़ा सा मधुमक्खियों से नहीं काटती है नहीं है 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 अच्छा पालतू पालतू देसी होती मधुमक्खी काट लेगी तो बहुत बड़ा सूचना ऐसे तो। नहीं काटती जब तक इनको छेड़ते हैं छेड़ने के बाद भी नहीं काटती इनको पता होता है कि इंसान से इनकी दोस्ती है अच्छा हाँ जी तो इनको पता होता है ऐसे नहीं करती जब हम इनको तंग करेंगे या इनके पानी या कुछ करेंगे बच्चे खेलते तब काटती है फिर सब नहीं काटती है, कर है इनके सैनिक होती है इनके सैनिक होते हैं इनकी अपनी एक फौज, फौज होती है जैसे राजा की सहन होती है आ, इसमें अंदर कोई सैनिक बैठते है कोई काम करने वाले होते है आ, कोई माता कोई बच्चे पैदा करने वाली होती है इस साल की दो बार निकालती है इनका सहन अच्छा सिर्फ दो बार दो बार अच्छा हर जगह दो बार ही निकलता नहीं, है जो दूसरे होते हैं जिनके जो सरकार डब्बे वाले होते है हाँ, जो आप बात कर रहे बेटी हाँ, वाला उसको तो चार तीन, चार तीन बार बार पांच बार निकाल सकते है कितना निकलता है एक बार उसमें निकलता है पाँच किलो पांच किलो एक, एक बार, बार वो तो एक डब्बा होता है उसमें ये तो पूरा पूरा का घर है भाई इसमें पंद्रह सोलह किलो का होता है एक बार का अरे बाप नहीं मेरे को बताओ इसमें कोई रहता भी है सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पूरा घर पूरा नहीं इसमें तीन चार मतलब एक मीटर का ही लंबा होगा राउंडी और डेढ़ फुट का मतलब गुलाई में होगा तो इसमें एक पूरे गोल जैसे अंदर खोद के बनाया होता है ना अच्छा। इनमें एक इनका राजा होता है रानी होती है हाँ। और उनके हिसाब से पूरी वो चलती है था राजा एक थी रानी मिलके बनाया शहद हाँ उनकी पूरी फौज है जो काम कर रही है और काम करती रहती है इनको पता होता है सर्दी का भी पता होता है जो आप बोल रहे जैसे फूल का है जो राउंडिंग में तीन चार किलोमीटर का फूल का बोल है ना इनकी एक लोकेशन होती है इनमें भी एक कंटीनियर जैसा अलग होता है जो इनको पता लग जाता है दूसरी मधुमक्खी कहाँ गई है ये तीन किलोमीटर तक आप पता लगा लेती है फूल कहाँ है अच्छा एंटीना का जमाना तो हमारा थोड़ा इधर आ जाओ और लेकिन इनके एंटीना बहुत पहले से चल रहे हैं और बहुत खूबसूरत यार सच्ची कहूँ तो डर बहुत लग रहा है कहीं एक आदमी भी घुस गई तो कहाँ कहाँ सु जाएगी कुछ कहना नहीं, नहीं, जो है बड़ा मुश्किल है अच्छा ये इस ये एक लकड़ी का मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे आ जाओ ये लकड़ी का हमें दिख रहा है ये लकड़ी का बनाना पड़ता है क्योंकि सर्दियों में इनको गर्मी रहती है अंदर सर्दियों में गर्मी रहती है और गर्मी में सर्द रहती है चर अच्छा। हो जाता है ना अच्छा। इसका अच्छा। तो हाँ। ये लकड़ का इतना पीस है या बहुत अंदर तक गया। एक मीटर तक है एक मीटर तक साढ़े तीन सौ साढ़े तीन मतलब फुट पौना चार फुट तक लंबा है अंदर को अच्छा इतना लम्बा होगा लम्बा क्या बात कर करें और गोल राउंडिंग में अच्छा ये मतलब पूरा का पूरा एक तना काटा और अंदर डाल दिया बनाना पड़ता है इसको बनाना हाँ बीच से खाली करना पड़ता है एक साइड से इसको स्टोन लगाना पड़ता है गोल उसमें और कीले डाल के उसको बंद करता जब शायद निकालना है तो उसकी बैक साइड में उसको खोलना पड़ता है बाकी को नहीं इसको छेड़ना पड़ता है वो भी उसका टाइम होता है सर सर से नहीं कि दिन कोई बजे आकर साथ निकालने लग गए फिर कब निकालता है जब ये काम करना बंद कर देती है बंद करती है जब सूर्यास्त हो जाता है ना अच्छा शाम को ये रेस्ट मोड में चले जाते हैं तो है को कोई इनका सैनिक बाहर नहीं जाएगा जो बाहर गया वो टाइम से अंदर पहुँच जाएगा जो नहीं पहुँचा उसकी क्लास क्लास अपने हाथ से ले लेते हैं फिर उसको अगले डे आना पड़ता है जल्दी अगले दिन पहुंचोगे तो पहुंचूटा क्षेत्र मौसम खराब हो जाता है कई बार तो रुक जाते हैं अच्छा ये भी रुक जाते हैं तीन चार किलोमीटर के ज्यादा हवा जैसे हमें ऑफिस में जवाब देना पड़ता है कि बेटा लेट क्यों है? इनको भी जवाब देना पड़ता है इनका भी ऐसा सिस्टम होता नहीं तो एक कंपनी शायद बनाने वाली कंपनी कितने वर्कर लगाती है कितनी मशीनें होती है उसमे तब जाके शायद बनता है इसमें सब मशीने लगी हुई है कितनी मतलब एक मशीन मतलब एक मधुमक्खी हाँ इतनी मशीने जैसे बनी हुई है कुदरत की भगवान की सीधी सी बात है और जब फैक्ट्री नहीं बना सकती वो है बना सकती है और ये खराब भी नहीं होता कि साल हजार साल तक भी और कंपनी का तो खराब हो जाएगा इतना पुराना उतना उतना अच्छा ये कभी बूढ़ा नहीं होता सही बात है सदा तो दूसरा तो खत्म हो जाता है जब दुकान से लाते पता तो तो नहीं तो चीनी क्या चीनी चीनी समझा और सफेद हो जाता है थे कैसे पहचान करें लोग सबसे बड़ा जो दुविधा है लोगों की वो यही है कि भाई शहद की पहचान नहीं होती है कैसे पता चले कि भाई ये जो शहद है हमारा ये प्योर है जो जो बाबा जी भी बनाती है ना मधुमक्खी हाँ। जो अपने आप आती है और पूरा साल यही बैठती है हाँ। इसको कहीं नीचे नहीं ले जाना पड़ता इसको खाना नहीं डालना पड़ता है और जो प्योर नहीं होता जो नीचे बनाते हैं ना उनको नकली खाना डालते हैं नकली खाना आपको पता कैसे होता नहीं चीनी होती है चीनी केमिकल व्हाइट चीनी उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ना उसको उस पेटी में ऊपर रख देते हैं ये खाए और ज्यादा सायद बनाए अच्छा। और मतलब उसमें केमिकल होता है गुड़ होता है ना हमारा जिगरी उसको डालते हैं खाने के लिए ज्यादा सायद बनाए हम तो कुछ नहीं डालते तो ऐसे लीचीज लेके आ रहे वो जो फूलों से कई मतलब जो गुलाब में होता है समझ रहे हो मेरी बात को आ, अरे बिल्कुल अर्क होता है उसके अंदर पानी आ, जो होता है वो लाती है उसको यहाँ पे डालते हैं वहां से अरे आप एक, एक लीटर निकलेगा तो कितना आप समझ लो कितना होगा और इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये जो लकड़ी लगी है विदाउट केमिकल की है, है? अंदर इसको मिट्टी लगी है वो भी है और जो दी से खेती करते हैं ना जैसे उसमें फार्म भर के नीचे डब्बे वो जो मधुमक्खी पालन मधुमक्खी पालन वो प्योर नहीं होता अच्छा वो चीनी वाला खेल प्योर नहीं होती है वो सिर्फ एक का क्या प्योरिटी का पंगा है जो बड़ी वाली होती है हाँ। ये सर्दी झेल लेती है यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है हाँ। कहीं भाग नहीं सकती इसको पता है टेम्परेचर का ये हाँ। जीरो माइनस में जीरो में मिरा लेती है क्या बात कर रहा? और वो चालीस के बाद टेम्परेचर जब लो हो जाएगा ना पटाखा तो मर जाएगी हाँ। उसको खाना नहीं होगा फूल नहीं ढूंढ पाएगी उसकी लोकेशन पूरी नहीं होगी तो ये जो चूड़ी पंचायत है लोथल पंचायत है लोथल पंचायत है ये चूड़ी गाँव है गाँव चूड़ी गाँव है गाँव चूड़ी है तो यहाँ पे कितनी आबादी है समथिंग आबादी तो कम से कम इतना मेरे को पता नहीं, तो नहीं पर बाईस तेईस पंचायत की तो होगी मैं तो ऐसे सुना रहा तो पंचायत लोग ये काम करते हैं टाइम पास है ऐसे नहीं ऐसा कुछ नहीं है दो तो तीन डब्बे जो पुराने घरों में इसमें है इसमें काम करने का मतलब ये है कि जो काम करते है मधुमक्खी पालन वाले वो मधुमक्खी और होती है जिसपे काम करना पड़ता है ये खुद आती है अच्छा खुद ही लोकेशन ढूंढ लेगी जैसे इधर से जा रही है अगर इनको यहाँ कोई छेड़ेगा या कोई तकलीफ होगी अंदर से इसकी सफाई नहीं होगी इसकी सफाई भी करना पड़ती है तो ये देख लेगी की यार मेरी गौर करने वाला कोई नहीं है ये दूसरी जगह जाके तीन चार पांच किलोमीटर में जहाँ भी कोई इसको अच्छा मकान लगेगा या अच्छी लोकेशन लगेगा वो अपना घर ढूंढ लेगी अच्छा ये लोगो ने खुद बनाया है की मधुमक्खी आई और उसने अपना खुद ठिकाना बनाया पहले तो मधुमक्खी के लिए घर हर इंसान को बनाना पड़ता है इनका घर इंसान ही बनाता है जो है आप बोल रहे हैं ना लकड़ी की है जो अच्छा खुद बनाया लोगो ने वो बनाना पड़ता है और इसके लिए लकड़ी भी असब लकड़ी नहीं लगती इसके लिए जिसमे जिस लकड़ी में शायद को मतलब खराब नहीं हो लकड़ी लगाना पड़ती है इसको भी जैसे आप कोई भी लकड़ी लगा दोगे तो उसमें ऐसा याद रहेगा पाँच छह महीने गर्मी आएगी इसके साथ खराब हो जाएगा इसलिए लकड़ी भी अलग सी होती है अच्छा मतलब लोग अपने घर में ये बना के छोड़ देते हैं तो मधुमक्खी अपने आप आ जाती है और जो कोई पुराने जो हमारे बुजुर्ग जिनको पता है वो देख लेते हैं कि जंगल जंगल में आते जाते रास्ते में मिल गई ये बैठ भी जाती है कहीं मतलब मौसम खराब हो गया इनका झुंड जा रहा है कहीं ना तो मौसम खराब हो गए इनको पता होगा कब मौसम खराब है हमने दूसरी जगह लोकेशन ढूंढनी घर दूर है तो ये स्टे कर लेती है।, है जैसे पेड़ आ गया स्टोन आ गया कोई बड़े या कोई पानी का को नेचुरल सोर्स आ गया वहाँ पेड़ के साथ लग जाएगी टहनी से कोई बुजुर्ग आ गया देखा मधुमक्खी है वो फिर उसको उठा भी सकता है इसको उठाने का तरीका भी है जैसे, जैसे कोई कपड़ा चाहिए या कोई बोरी हो या कोई जैसे पन्नी हो जिसमें छेद नहीं हो तो जैसे ये डाल होता है जैसे बैठती है कोई भी टहनी होगी उसके साथ बिल्कुल गोल जैसे वॉलीबॉल होता है ना वैसे एक झुंड बना लेगी इनका जो राजा रानी होगी वो बीच में रहेगा

जो फैक्ट्री नहीं कर सकती है जो इंजीनियर साइंस नहीं कर सकती वो करके दिखाते हैं और अच्छा, जो क्या है? क्या कॉस्ट है कितने का मिलता है जो ये है जो असली चीज इसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है मतलब कितना कितने का मिलता है छह सौ रुपए किलो के हिसाब से दिखे जो हाँ ये और जो नीचे मिलता है वो तीन सौ के हिसाब से मिलता है अच्छा, जो आप बोलते हैं व्हाइट हो जाता है इसको जब मर्जी खुले ढाकन में रखो व्हाइट नहीं होगा अगर प्लास्टिक में रखोगे तो थोड़ा खराब हो जाएगा इसको नेचुरल उसमें रखना पड़ता है थैंक यू देखे। 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 सो मच यार बहुत देखे। बहुत बेहतरीन तरीके से क्योंकि मैं जब गुजर रहा था तो एक दिलचस्प चीज दिखी मैंने सोचा कि आपके साथ साझी कर ली जाए कि शहद हमने जो देखे वो पेटियों में देखे लेकिन जनाब ये भी एक तरीका है एक ये भी एक यूनिटी की पहचान है तो भैया मधुमक्खियों से कुछ सीखिए अपने परिवार को जोड़ के रखना सीखिए संपर्क में रहना सीखिए बहुत ज्यादा जरूरी है सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरा मैन जग्गी दीजिए इजाजत नमस्कार